नमस्कार, मैं राधे कृष्ण सुमिटोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं पकरा गांव में अपने किसान भाई के यहां आया हूं, जिनके यहां मैंने अपने सुमिटोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड की तरफ से हमारा जो उत्पाद आता है नेचर डिप, ठीक है, इसका हमने इनके आलू की फसल में डेमोंस्ट्रेशन किया था। तो आइए अपने किसान भाई के यहाँ चलते हैं और उनसे सुनते हैं कि नेचर डिप के प्रयोग से उनको आलू में क्या फ़र्क दिखा है। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने किसान भाई के यहाँ, सीधे इनसे वार्तालाप करते हैं। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। ठीक है, तो आज आपके हम प्लॉट पे चलेंगे जहाँ पे आपने जो है अपने आलू में नेचर डिप का आपने प्रयोग किया था जी। तो आज हम ये देखेंगे कि आपने जो नेचर डिप का प्रयोग किया था यूरिया के साथ जी। पहले ट्रैप ड्रेसिंग में, तो आपको उसमें क्या फ़र्क दिखा, आपके जड़ों का विकास और आपके फसल में जो है दानों की संख्या, ये सभी चीज़ें देखेंगे। तो आइए चलते हैं खेत में, फिर चलते चलते बात करते हैं वहाँ पे कि क्या आपने देखा। ठीक है, जी मेरा नाम शिव नारायण सिंह, मेरा गांव पकरा, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज, उत्तर प्रदेश से। मेरा मोबाइल नंबर 97-94-20-20-74। मैं इस खेत में आलू की कंचन वैरायटी उत्पादित किए हैं। तो इससे पहले हमारी डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने इसमें अपना ये डेमो लगवाया था नेचर डिप का, तो उसका हमने प्रयोग किया यहाँ यूरिया खाद में डाल करके। तो उसका आज हमने ये फ़र्क देखा है कि ये देखिए जो हमने डेमो लगाया है उसमें, ये देखिए इसमें जो ट्यूब्स के हैं संख्या बहुत अधिक है, आप देख रहे होंगे। उसमें ये देखिए आलू का प्रोडक्शन भी अच्छा दिखाई दे रहा है, जबकि इसमें हमने नहीं लगाया है तो इसमें हमें जो उसके जो ट्यूब्स हैं उनकी संख्या बहुत कम दिखाई दे रही है, और जब ट्यूब्स ही नहीं होंगे तो उसका उत्पादन भी कम होगा। तो इस तरह से हमने ये फ़र्क देखा है, और ये हमारे डॉक्टर साहब ने इसकी हमें राय दी। तो मैं चाहूँगा कि जो भी किसान हैं इसको आज हमारी इस बात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनसे भी कहूँगा कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और अपनी फसल में इस प्रोडक्ट को यूज करें ताकि हम सभी किसानों को इसका भरपूर लाभ मिल सके। और आपने कितना लगाया था, इसका डोज क्या लगाया था सर? ये डोज 200 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार लगाया जाता है, तो उसी अनुसार हमने लगाया था। इसमें कैसे लगाया आपने, किस तरीके से लगाया आपने? इसमें मैंने यूरिया खाद में मिला करके इसको टॉप ड्रेसिंग में यूज किया था। कब किया था आपने? ये आलू जो हमने लगाया था इस फसल को, इससे पहले बुवाई से पहले जो हम टॉप ड्रेसिंग करते हैं उसमें हमने इसको यूज किया। तो आप सेटिस्फाई हैं इससे? जी हाँ, इससे मैं पूर्णतया सेटिस्फाई हूँ। उसका रिजल्ट हम आप सभी के सामने है, आप देख सकते हैं। इसमें देखिए बहुत अधिक जो ट्यूब्स हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है, आलू की संख्या अधिक है, और ये समय पूरा होने पर आलू पूर्णतया वृद्धि करेगा और बढ़िया उत्पादन देगा।